नमस्कार दोस्तों, तो WPL का धमाकेदार तरीके से आगाज हुआ है। अगर हम बात करें ओपनिंग सेरेमनी की, तो वहां पे काइरा एडवानी ने, कीर्ति सेनन ने और जेपी ढिल्लन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। तो वहीं जब पहला मैच खेला गया तो वहां पे 200 के ऊपर टोटल बन गया और WPL का जो इतिहास था वो लिख गया है और ये पहला मैच इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया होगा। जिस हिसाब से IPL का धमाकेदार तरीके से ब्रेंडन मैकुलम ने आगाज किया था, तो हरमनप्रीत कौर ने धमाकेदार अरसत की पारी खेली, तो वहीं उनका साथ बखूबी निभाया अमीला कैर ने और हैली मैथ्यूज ने, और उपयोगी पारी खेली और मदद किया मुंबई इंडियंस को पहले मैच में ही 200 का टारगेट पार करने में। आइए एक नजर डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पे पहले इनिंग के, जहां पे मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार तरीके से आगाज किया इस WPL का। तो पहले इनिंग में ही मुंबई इंडियंस ने 200 रनों का टारगेट सेट कर दिया। आइए एक नजर डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पे किसने कितना का कंट्रीब्यूशन किया। तो मुंबई इंडियंस का अगर हम स्कोर कार्ड बात करें तो उन्होंने 20 ओवरों की समाप्ति पे 207 रन बनाए। इसमें जो महत्वपूर्ण इनिंग खेली वो हैली मैथ्यूज ने खेली थी, 47 रन बनाए थे 31 गेंदों पे, 3 चौके और 4 छक्के जड़े थे, जो प्लेटफॉर्म मुंबई इंडियंस को जरूरत थी वो प्लेटफॉर्म दिया था। और इनका बखूबी साथ दिया था नेट स्कीपर ब्रंट, वाइस कप्तान है इंग्लैंड टीम की, इन्होंने 23 रन बनाए थे 18 गेंदों पे, 5 चौका। और इन दोनों ने यास्तिका भाटिया का जो शुरुआती झटका लगा था उससे मुंबई इंडियंस को उबारा था और एक अच्छे स्थिति में पहुंचाया था और एक प्लेटफॉर्म सेट किया था मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए कि वो आकर एक्सप्लोर करें। एकदम पाटा पिच थी, एकदम बेहतरीन पिच थी, जिससे WPL का आगाज काफी धमाकेदार हुआ है। अगर हम बात करें जो स्टार परफॉर्मर थी आज के दिन की मुंबई इंडियंस के लिए, वो हरमनप्रीत कौर थी। 200 के ऊपर कौर का स्ट्राइक रेट था, 216.67 के स्ट्राइक रेट से हरमनप्रीत कौर ने 65 रनों का स्कोर किया 30 गेंदों पे, 14 चौके जड़े। क्या बेहतरीन इनिंग थी, गैप को काफी बेहतरीन तरीके से ये देख रही थी, गैप में शॉट खेल रही थी, स्वीप शॉट का बखूबी इस्तेमाल किया। वहीं अमीला कैर ने बेहतरीन इनिंग खेली, दिखाया कि वो फॉर्म में है, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है अमीला कैर, अभी बॉलिंग से भी ये इस मैच में छाप छोड़ने वाली हैं, ये देखने लायक रहेगा। लेकिन जो बैटिंग से इन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। अगर हम बात करें इनके प्रदर्शन की, तो इन्होंने 45 रन बनाए 24 गेंदों पे, 6 चौके और 1 छक्का। ये छक्का 20वें ओवर में इन्होंने जड़ा था स्नेह राणा को। फिर पूजा अश्वास्त्रकर ने भी एक छोटी केमियो खेली 15 रनों की, 8 गेंदों पे 3 चौके जड़े। और इयान वांग ने, जो पेसर है इंग्लैंड टीम की, 6 रन बनाए, मात्र 1 गेंद का सामना किया, जिसकी मदद से मुंबई इंडियंस के टोटल पहले इनिंग में 207 रनों का टोटल टारगेट सेट कर दिया स्कोरबोर्ड पे। और ये काफ़ी ही ह्यूज टोटल है, ये अगर मेंस टीम रहता तो अलग बात थी, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में 200 रन डेली नहीं बनते हैं, कभी कदार बनते हैं, खासकर मेंस क्रिकेट में भी यदा कदा ही देखा जाता है 200 रन। लेकिन जो धमाकेदार शुरुआत हुई है वो ये दिखाता है कि वुमेन्स क्रिकेट का भी भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है और काफ़ी उदयमान खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हुए दिख रहे हैं और भारतीय प्रतिभा भी काफ़ी निखर कर आएगी। भारतीय युवा भी, जो विदेशी खिलाड़ी हैं, जो काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।